चलिए अब सेक्शन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 15 हमने फर्स्ट उसमें देख ही चुके हैं पार्ट में। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 25% एंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर डिक्रीज बाय 30%। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 25% एंड द ओरिजिनल वैल्यू डिक्रीज बाय 30% इज 22। ठीक है, तो बेसिकली इसकी हमें इक्वेशन बनानी है। बाकी सब लोग आ गए ऑनलाइन, मैं चेक कर लूँ। 4-5 लोग आ चुके हैं। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन बनाते हैं। 16 की अगर हम इसको 70% लेके चलें ऑप्शंस को, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज बाय 25%, तो 70 का अगर हम 25% इंक्रीज करते हैं कि 1/4 इसका पॉइंट में आएगा, तो लीव इट 40 को लेते हैं ऑप्शन। 40 का 1/4 मीन्स 10 इंक्रीज होगा, तो ये 50 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर डिक्रीज, और 40 को अगर 30% डिक्रीज करेंगे तो 4 3 12, 12 माइनस हो जाएगा, यानी कि नंबर आएगा 28। देन द डिफरेंस इज 22। देखिए इन दोनों में डिफरेंस आ गया 22, तो आंसर 40 इज द राइट। इक्वेशन बना के कर लेते हैं एक बार। यस सर। अ नंबर इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, एक नंबर लिया इंक्रीज बाय 25%, फिर उसी नंबर का डिक्रीज किया 30%, एंड द डिफरेंस इज इक्वल टू 22। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। क्लियर? इसमें भी आप चाहे तो ऑप्शन पुट करके हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। मैंने डायरेक्ट 40 का 25% इंक्रीज किया, यानी कि 50 हो गया। 40 का 30%, यानी कि 4 3 12 डिक्रीज किया, तो 28 हो गया, और इनका डिफरेंस देखिए 22 आ रहा था, इसलिए 40 आंसर लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं। 17, अ सेल्समैन अलाउड दिस डिस्काउंट ऑन द टोटल सेल्स मेड हिम मेड बाय हिम प्लस अ बोनस दिस ऑन द सेल ओवर 10,000। इफ द टोटल अर्निंग वर 1990 देन इज टोटल सेल। ठीक है, अ सेल्समैन अलाउड अ डिस्काउंट। सबसे पहले उसने डिस्काउंट दिया आपको, टोटल सेल लिख लीजिए। लाइक सपोज हमने टोटल सेल एक्स मान ली है, तो उस सेल का उसने 5 1/2% डिस्काउंट दे दिया, और बोनस दिया है आपको 0.5%। चलिए 0.5% बोनस दिया अगर सेल ओवर होगी 10,000 से, तो जो सेल हुई है उसमें से 10,000 हमने माइनस कर दिया, उसका 0.5% आपको बोनस मिल जाएगा। और ये अमाउंट कितना मिला है, 1990 इजिकल टू 1990। देख लीजिए क्लियर है क्वेश्चन। अ सेल्समैन अलाउड दिस डिस्काउंट, टोटल सेल वाज एक्स, उसने डिस्काउंट दे दिया। आफ्टर डिस्काउंट 0.5% कमीशन और मिलेगा 10,000 से अबव सेल पे, तो एक्स माइनस 10,000, तो टोटल अर्निंग होगी 1990। करिए तो ये 5.5 में से 0.5x 6x हो जाएगा, और ये 5,000, 5,000 और 1900 हो जाएगा, तो अपॉन 100 हो जाएगा। हिट एंड टेल लगाएं, अगर हम 34 4,000, 24 24 का 1/2, तो 1.2 आएगा। ठीक है, 11/2 अपॉन 100 प्लस जाएगा 1/200, एक्स माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1990। ये भी 200 हो जाएगा, 200 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम की इधर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। और ये इज इक्वल टू 11x और x, तो डिवाइड बाई प्लस
12 लाख हो जाएगा, 10,000 माइनस हो जाएगा कि 12 लाख माइनस, ठीक है, यहाँ जाके माइनस होगा, मल्टीप्लाई आएगी 398,000, यहाँ के माइनस होगा, सॉरी प्लस, तो ये 408 डिवाइड बाई 12, 34,000 इज द राइट आंसर। 12 3 36, 12 4 48, ठीक है, क्लियर है ये 17 का आंसर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इफ 12% ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 5% ऑफ अ नंबर बाय 75, इफ 12% ऑफ 75% इज ग्रेटर देन, ठीक है, एक नंबर का आपने 12% निकाला और फिर उसी नंबर का आपने 75% निकाल लिया, ग्रेटर देन नंबर बाय 75 यानी कि उसी का डिफरेंस निकाल लीजिए 5% से, चाहे 5% निकाल के उसमें 75 ऐड कर लीजिए, इक्वेशन एक ये बनेगी सिंपल सी। सॉल्व करके आंसर बताइए, 12/75, 5/100। नाइन बाई हंड्रेड माइनस 5/100 4/100 बचेगा 75, 9875, 1875 अच्छा 1875 सही आंसर, 1875। तो ये एक्स का 4% यहाँ आ जाएगा डिफरेंस होके, सो एक्स विल बी 7500 डिवाइड बाई 4, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मिस्टर यादव स्पेंड 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन कंज्यूमेबल आइटम्स एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, तो पहले हम 100% मान लें, 60% देन रिमेनिंग 40%, रिमेनिंग ऑफ 50%, इसका 50% कितना आएगा, 40 का 20% आएगा जस्ट हाफ, ऑन क्लॉथ एंड ट्रांसपोर्टेशन he save remaining amount if his saving end of the year 4, 8, 4, 5, 6 how much amount per month, to per month would he have spent on cloth and transportation, देखिए saving और cloth transportation 20-20% ही है, तो आप इसका आंसर निकाल लीजिए, चाहे इसका आंसर के लिए आंसर एक ही आना है हम लोग के लिए, ठीक है, और 20% 100% का कितना होता है 1/5, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि x का 1/5 आपका कितना सेविंग है 4, 8, 4, 5, 6, तो ऐसे टोटल इनकम निकल आएगी ईयरली, 12 से डिवाइड कर लेंगे तो मंथली आ जाएगी, करके दिखाइए क्वेश्चन। जब बात एक ही है तो इसको डाय एक मिनट, हमें तो जब 20-20 बराबर डायरेक्ट से 12 से कर दो ना, क्यों इतना झाड़ कर रहे, छोड़ो सैलरी निकालो फिर 20%, ये 20-20 बराबर है ही हमारा, तो डायरेक्टली जितनी आपकी क्लॉथ और ट्रांसपोर्टेशन है उतनी ही आपकी सेविंग है, और ईयरली सेविंग दे ही रखी है, तो मंथली कितनी होगी 4, 8, 4, 5, 6 डिवाइड बाई 12, 12 4 48, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन टाउन वाज दिस, इन द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय दिस एंड इन द फीमेल्स दिस एंड द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है फाइन, चलिए टोटल टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 9000 है, उसमें कुछ मेल्स हैं तो कुछ हमारी फीमेल होंगी, चलिए मेल इंक्रीज बाई 5%, इंक्रीज का होता है 105, और फीमेल जो हमारी है वो डिक्रीज बाई आई थिंक 8%, यानी कि 92%, दोनों इंक्रीज हुई है,
मेल इंक्रीज है एंड द फीमेल, ठीक है दोनों इंक्रीज हुए, तो ये 108 हो जाएगा, 108% का इंक्रीमेंट। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 9600 टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय दिस। क्लियर है? चलिए 105 और यहाँ -108, तो ये आपका 3% ही बचना है आपका, ठीक है, और प्लस 9000 से जीरो कट हो जाएंगे, दो जीरो, इज इक्वल टू 9600। जल्दी से आंसर बताइए इसका। इसका 3% 120 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 इनटू 100 डिवाइड बाय 3, 3 4 7 12, 4000। तो अगर 4000 एक्स मतलब मेल है, तो फीमेल कितनी होंगी, 9000 के लिए 5000 होंगी। और हमें व्हाट वाज रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, मेल फीमेल का रेशियो निकालना है, तो रेशियो विल बिकम 4:5। क्वेश्चन नंबर 21। द सैलरी ऑफ राजू एंड राम 20% and 30% लेस देन द सैलरी ऑफ सरोज, बाय व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ राजू मोर देन, ये क्वेश्चन मोर देन क्या, मोर देन द सैलरी ऑफ राम। तो देखिए जब मोर देन के बाद वाला डिनोमिनेटर होता है, तो आपको पता ही दिया देन टू ऑफ राम, और देन से पहले अगर मोर लगा होता है तो ये राजू और राम का डिफरेंस ऊपर आएगा, राजू माइनस राम या राम माइनस राजू कुछ भी कह सकते हैं, डिफरेंस ऊपर आएगा इनटू 100। ये हमें फाइंड करना है, सबसे पहले जो फाइंड करना होता है वो लिख लेते हैं, क्योंकि मोर लगा है इसलिए डिफरेंस ऊपर आएगा। द सैलरी ऑफ राजू एंड राम सरोज से 20% लेस और ये 30% लेस है। इफ दिस इज 100 तो 20% लेस का मतलब 80 एंड दिस विल बी 70। तो राजू और राम का डिफरेंस कितना आएगा, 10 एवव आएगा, डिवाइड बाय राम, राम की वैल्यू कितनी है 70 इंटू 100। रोज हर्षित कोई प्रॉब्लम तो बता, पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में, डी इज द राइट आंसर 14.28। और आगे से कन्वर्जन भी ध्यान रखिएगा कि 100 बाई 7 जो है वो 14.28 होता है, आगे बहुत काम आएगा टीआई नंबर के लिए। चलिए 22 क्वेश्चन। Wheat is now being sold 27 rupees per kg. During the last month, its cost was 24 per kg. Find by how much percent of family reduce its consumption so as to keep the expenditure fixed. देखिए, पहले 24 था, 27 हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं 3 रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ प्राइस में। आप कह सकते हैं 12.5% प्राइस इंक्रीज हो गए, तो कंजप्शन कितना डिक्रीज करना होगा, फॉर्मूला आपके पास आई x अपॉन 100 प्लस माइनस x इनटू 100, क्योंकि यहां बैलेंस हो रहा है तो शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा। 12.5 को आप 12 एंड हाफ भी लिख सकती हैं, करके बताइए आंसर। 12 एंड हाफ डिवाइड बाय 100 प्लस 12 एंड हाफ इनटू 100, सॉरी बताइए आंसर। इलेवन पॉइंट वन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23। 33 1/3% of my daily output is equal to 50% of second month daily output. 33 देखिए 33 1/3 मतलब 1/3 होता है, तो एक जो मैन है उसका जो 1/3 है वो सेकंड मैन के, चलिए सेकंड मैन ऐसे लिख देता हूँ, उसके 50% 50% मतलब हाफ के इक्वल है। M1 और M2 लिख लेता हूँ, चलिए
एम वन एम टू, तो एम वन अपॉन एम टू जो है आपका 3/2 हो जाएगा. एम आई राइट? यस. अब इफ द सेकेंड मैन टर्न्स आउट स्क्रूज डेली देन द फर्स्ट मैन आउटपुट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग स्क्रू. तो ठीक है, फर्स्ट मैन कितना है? 3x. 3x इज इक्वल टू 1500. तो 2x की वैल्यू निकालनी है आपको. आंसर बता दीजिए. सिंपल है. कुछ गलत कर दिया क्या? इतने परसेंट ऑफ मैन डेली आउटपुट इज इक्वल टू 50% ऑफ सेकेंड मैन डेली आउटपुट. One third of M1 is equal to half of M2. It's 3/2. If the second man, अच्छा second man की value दे रखी है, sorry. Second man कितना है? 2x. Sorry. इस second man की value तो 3x निकालना है आपको. नहीं मैं को answer क्यों बता रहा हूँ? 2250. क्वेश्चन नंबर 24. ये थोड़ा नीचे हो गया है, मैं ध्यान नहीं दिया. अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द डबल ऑफ द न्यूमरेटर, तो डबल सपोज ये x अपॉन y है, तो न्यूमरेटर x है. इफ द डबल ऑफ द न्यूमरेटर एंड ट्रिपल ऑफ द डिनोमिनेटर इज चेंज्ड बाय 10% and 30% respectively. 10% increment है और ये 30% decrement है. Then we get 11% of 16.21. Find the fraction. X और Y की value find करनी है. बताइए आंसर. हिट एंड टाई लगा सकते हैं. सपोज जैसे आप 2 अपॉन, जैसे हम बी ऑप्शन मान लेते हैं, तो कह रहा है डबल ऑफ द न्यूमरेटर का 10%, तो 4.04 हो जाएगा. ट्रिपल ऑफ द न्यूमरेटर का 30% रिड्यूस 70%, तो 0 0 कैंसिल, 5 से 15, 5 2 2 से कटेंगे 3.5, तो 3.5 15 5 75, 15 3 45, 2/25. 2/25 is the right answer. मुझे भी यही लग रहा था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं. वैसे यहाँ से भी बहुत इजी था. 100 से 100 डायरेक्ट कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल स्टार्ट. ये ज्यादा अच्छा था, ये थोड़ा टिपिकल था. चलिए 28. The entry fee in the exhibition was 10. Later this was reduced by 25% which increased the sale of ticket. This find the percent की the number of visitors. कंसेक्यूटिव परसेंटेज का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे. ठीक है, बाकी और एक अप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि हमसे टोटल सेल निकल के आती है, लेकिन हमसे कह रहा है टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन विजिटर. चलिए सपोज करते हैं कि 10 रुपीज के 100 विजिटर है, 10 रुपीज के 100 विजिटर्स है, तो टोटल हमारा 10 × 100 कितना हो गया? 1000. नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? 25% टिकट रिड्यूस हो गई, तो हमारी सेल टिकट 20% बढ़ी. 20% 120 विजिटर आ गए हमारे, विच इंक्रीज द सेल ऑफ टिकट. सॉरी, टिकट की सेल बढ़ गई कितनी? 20%. यानी कि 1200 रुपीज हमारे पास अर्न हो रहे. कितने पर्सन आए? तो x इज इक्वल टू
1200 डिवाइड बाय 7.5, तो 75 फोर जा 300 और 3 फोर जा 4 फोर जा 16, यहाँ पास नंबर ऑफ स्टर कितने आए 60, पहले नंबर ऑफ स्टर कितने थे 100, अब कितने हो गए 160, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ 60% का इंक्रीमेंट हुआ। इस फॉर्मूले से तो हमें सेल पता लगती है सेल कितनी इंक्रीज हुई है। प्रथम क्लियर है ये? यस सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रोज आप बताइए निकिता। यस सर। ठीक है फाइन। रोज के लिए है ना 26। यस सर। इंस्पेक्टर रिजेक्ट दिस मीटर डिफेक्ट, ये पहले ही क्वेश्चन अभी करा चुके हैं, इसका 2500 आया था है ना शायद फर्स्ट वाले पार्ट में कराया था। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 15%, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 15% एंड इट्स डिनोमिनेटर डिक्रीज या डिमिनिश बाय 8%, 8% मतलब 100 माइनस 8 विल इक्वल टू 92%, देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन 15 बाय 16। डी 3/4 इज द राइट आंसर। In a class, 65 of students are boys. 100 में से 65% boys हैं, तो हमारे पास girls बची 35%. What was the fraction of boys who were present that day? Boys who were present that day. If the total number of students present that was 70%. 70% of 70 लोग present हैं. What was the fraction of boys who were present that day? On a particular day, 80% of girl students were present. ठीक है, तो 35 girls का 80% girls present है आपके पास, तो 24 जा 25 जा 5 7 4 जा 20, यानी कि 28 girls present है और total student कितने present है 70। 100 में से अगर 70 गर्ल्स प्रेजेंट और 70 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, जिसमें 28 तो गर्ल्स ही गर्ल्स हैं, तो हाउ मेनी बॉयज प्रेजेंट, तो 70 माइनस 28, 42 बॉयज प्रेजेंट हैं। तो कह रहा है व्हाट वाज द फ्रैक्शन, तो 42 बॉयज प्रेजेंट हैं आउट ऑफ 65 से, तो फॉर डी इज द राइट आंसर। What was the fraction of boys who were present that day? The total number of students present 70%. ठीक है, क्लियर है बताइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। A income is 60% of B income. A income is 60% of B income. And A expenditure is 70% of B expenditure. If A income is 75% of B, A income is 75% expenditure of B. Find the ratio of A saving and B saving. बढ़िया क्वेश्चन। Find the ratio of A saving and पहले बार पढ़ लीजिए, मुझे बताइए समझ में आ गया जैसे मैंने लिखा है, अदरवाइज मैं बार रिपीट करूं। सर आ गया समझ, और आई गेस बी और डी में से आंसर है। अच्छा बी और डी में से एक आंसर भी है, चलो ये और अच्छी बात है फिर तो। बाकी लोग बताइए, अगर मैं बी की इनकम 100 मानता हूं तो ए की इनकम 60 हो गई, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, तो आप कहेंगे बी का जो एक्सपेंडिचर है उसका 75% ए की इनकम है, तो ए की इनकम कितनी हो गई 60,
एक इनकम क्योंकि 100 से हम ये 60 निकाल चुके हैं और बी के एक्सपेंडिचर का 75%, तो 25 3 25 4, तो बी का जो एक्सपेंडिचर आई थिंक वो 80 रुपीज है। बी का एक्सपेंडिचर कितना है 80 रुपीज। अच्छा और 80 का 70% और बी के एक्सपेंडिचर का अगर मैं 70% निकालूं तो वो ए का एक्सपेंडिचर है 56, तो ये आ गई 56, ये आ गया आपका 100, ये 60। हमसे पूछ गया फाइंड द ए सेविंग, तो ए 4 रुपीज सेव कर रहा है, 60 माइनस 56 4 रुपीज सेव कर रहा है, बी 100 माइनस 80 20 रुपीज सेव कर रहा है, तो 4:20 1:5 बी इज द राइट आंसर। निकिता बताओ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है अब मैं इसके आगे के जो 20 मतलब इस शीट में 50 क्वेश्चन है, तो 29 मैंने करा दिए हैं, हाँ इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नहीं है आगे के, तो मैं 29 से वो 30 से 50 तक के क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, करिए फिर ये फाउंडेशन हो गया, इससे एक लेवल हाई करके फिर करेंगे क्लास। ठीक है मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा आप लोगों को, रोज क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है मैं 31 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के, 21 क्वेश्चंस आराम से करिएगा, जो नहीं आया वो मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के पीडीएफ से दे दीजिएगा, मुझे सेंड कर दीजिएगा और फिर इसका सर अभी सेंड करेंगे आप पीडीएफ? जस्ट तुरंत मैं कर रहा हूँ ग्रुप में आपको सेंड। ठीक है और इसका इसका मैं वैसे तो इस अच्छे समझ में आ गया वीडियो, फिर भी मैं एक बार अपलोड करके इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा कभी आपको रिवीजन करना हो तो। ठीक है चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं और जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो इससे थोड़ा सा लेवल हाई वाले क्वेश्चंस पिक करेंगे।